नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AAS अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आप सभी को पता है कि कल 5 मार्च से मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और आप सभी को, सभी भाई बहनों के लिए हमारे पूरे AAS अकेडमी परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही अच्छे से एग्जाम दें और मैं एग्जाम से संबंधित कुछ बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एग्जाम सेंटर में जाएं उसके पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल एग्जाम में होंगे और कुछ नंबर दिलाने में भी आपकी मदद करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब आप एग्जाम देने जाएं, एग्जाम देने से पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, कोई भी नेगेटिव बात अपने मन में ना रखें। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सारी नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल देनी, कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं सोचना है कि कोई गलत हो या आपके मन में कोई गलत विचार आए हो, गलत थॉट्स जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल आपको नेगलेक्ट कर देना है। आपको पॉजिटिव होकर बैठना है एग्जाम हॉल में। आप जिस भी भगवान को मानते हो, अपने मम्मी पापा को मानते हो, जिस भी व्यक्ति को मानते हो, आप अपने आराध्य जो भी हो उनका 2 मिनट के लिए मनन करें। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और जब आप एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठते हैं, अपना पेपर को ऑन करते हैं, मतलब सिस्टम को ऑन करेंगे पेपर देने के लिए, जैसे आप रेडी होते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। आपको हिंदी रहेगा, मैथ्स रहेगा, पर्यावरण रहेगी, बाल विकास रहेगी और संस्कृत रहेगी। आपके पास 2 लैंग्वेज रहेंगी, जो आपकी लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती, हिंदी तो कंपलसरी है, संस्कृत भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है। तो आपको याद रखना कि ऐसे सब्जेक्ट आपको पहले चुनना है जो आपसे आसानी से बनते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी अपना समय खराब नहीं करना है कि जो आपसे आते नहीं है और आप उनमें शुरुआती समय खराब कर रहे हैं, चाहे वो गणित के सवाल हो या साइकोलॉजी यानी पेडागोजी के सवाल हो। आपको कोशिश ये करना है कि सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना है जो आपसे बनते हो। अब वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, चाहे मैथ्स के हो या पर्यावरण के, बाल विकास के, कुछ भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। टारगेट आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको 100 मार्क्स का इतनी कोशिश करनी कि 100 मार्क्स का आपसे सही पेपर बन जाए। यदि आपका 100 मार्क्स का सही पेपर आपसे बन जाता है तो उम्मीद वहां पर आपकी 80% बनती है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो याद रखना, सबसे पहले तो आपको टफ क्वेश्चंस जो भी रहे उनको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करना है जो आपसे नहीं बन रहे हो। सबसे पहले आपको कोशिश वही करना है कि जो आपसे बन रहे हो, जिनके आपको बिल्कुल सटीक आंसर पता हो, तभी आप उन प्रश्नों पर हाथ डालें, ठीक है। दूसरी बात यह आती है कि जैसे आप कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारी हिंदी अच्छी है और संस्कृत अच्छी है तो हम उस पर जाएं, तो कोशिश करें कि हिंदी और जो आपका संस्कृत है, लैंग्वेज है, उसमें आपके जो गद्य और पद आने वाले हैं उनको थोड़ा सा जल्दी रीड करने की कोशिश करें, उनमें समय बिल्कुल खराब ना करें। क्योंकि सिस्टम में जब आप गद्य पद देंगे तो आपको गद्य पद को ऊपर नीचे भी करना होगा, क्योंकि इसलिए करना होगा क्योंकि एक गद्य या पद में आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उससे रिलेटेड। तो आप क्या काम करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन बाद फिर आप गद्य में ढूंढेंगे। बहुत सारे लोगों की ऐसी हैबिट होती है, तो गद्य पद में बिल्कुल अपना समय खराब ना करें। यदि आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो बेस्ट है, और यदि नहीं है तो कोशिश करें ये थोड़ा सा अंत में ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बड़े क्वेश्चंस होंगे, आपको समझने में आसानी नहीं होगी, आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो कोशिश करें उसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को छांटिए। सबसे पहले तो आप यदि साइकोलॉजी कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव और टैग वर्ड पता होना चाहिए कि कौन से नेगेटिव टैग वर्ड है और कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड है। यदि आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड छांट लेते हैं उसमें से, तो नेगेटिव को हटा दीजिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव के बचेंगे, जो भी बचेंगे उसमें से 50-50% आप करके आराम से उसके आंसर दे सकते हैं, जिसमें आपको 90% ये संभावना रहेगी कि मेरा आंसर लगभग सही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब आप बैठते हैं एग्जाम में, आपको लग रहा है कि मेरे से पेपर बन रहा है, तो इधर उधर ताका झाकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें भी आपका समय वेस्ट होता है। वहां पर आपको घड़ी चलती रहती है, मिनट का जो है सेकंड का कांटा चलता रहता है कंटिन्यू, कितने मिनट बचते हैं, कितने सेकंड बचते हैं, सब सारी चीजें पता वहां पर आपको रहना चाहिए कि कितना समय बच रहा है। साइकोलॉजी में मैंने बताया नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड पर विशेष आप ध्यान रखें। इसके बाद गणित में आप सबसे पहले कोशिश करेंगे, यदि छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, जैसे आपके गुणा से रिलेटेड है, जोड़ से रिलेटेड है, आपके परसेंटेज से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, या आपके यूनिट से रिलेटेड है, या नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने की पूरी कोशिश करें सबसे पहले। बड़े क्वेश्चंस हो उसमें ज्यादा समय ना बिल्कुल लगाएं, आप उनको हो सकता है थोड़े लास्ट के लिए बचा के रखें, क्योंकि 1.5 घंटे में आपके पास टोटल 2.5 घंटे का समय है। 1.5 घंटे में ऐसे क्वेश्चंस करें जिन क्वेश्चंस को आपको लगता है कि इनके आंसर मेरे से बनते हैं, उनसे
बन जाएंगे। एक घंटे का जो समय रखें आप ऐसे लेंदी बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए रखें कि जो आपको बाद में करने में आसानी होगी। तो कोशिश करें सरल जो भी प्रश्न हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, उनमें समय बिल्कुल न बर्बाद करें, जल्दी से जल्दी उनके आंसर देते जाएं। और एक बात याद रखिएगा, सबमिट जब आप करेंगे अपने पेपर को तो उसके पहले अपने मार्क्स जरूर देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको वहां पर मिलेंगे कि कितने कितने मार्क्स आप क्या, कुछ लोग इसमें भूल जाते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन बातों को ध्यान रखिएगा। अपने साथ में अपना पेन लेकर जाइएगा, बॉल पेन लेकर जाइएगा, घड़ी ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपने आधार कार्ड को अपने को अनलॉक कराया है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लगभग अनलॉक ही रहेंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एडमिट कार्ड अपने साथ में लेके जाइएगा, आपका जो पहचान पत्र है, आपका वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको लेके जाइएगा, आपका एक फोटो साथ में जरूर एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, है ना। और कुछ भी ऐसे आइटम मत लेके जाइए जिससे आपको परेशानी हो, मास्क लगाकर जाइएगा, बॉटल में पानी लेके जाइएगा, बाहर बार बार जाने की आवश्यकता ना आपको पड़े। तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये शायद आपकी मदद बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और मैं बात बता रहा हूँ, यदि इन चीजों को मानोगे तो 5 से 10 नंबर का फर्क आपके जो मार्क्स आएंगे फाइनली उसमें फर्क पड़ेगा। आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो 5 से 10 नंबर का फर्क आपको मिलेगा देखने को, ये बात बिल्कुल तय है। तो ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पेपर दें और कल जब भी आपका पेपर हो तो एक बार मुझे मेरे दिए गए नंबर 9111755039 पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर टॉपिक जरूर शेयर करें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। यदि आपको एज इट इज याद रहता है तो एज इट इज जरूर बताइएगा, जो भी हमें क्वेश्चन बताएंगे उनके माध्यम से उनके नाम लेकर मैं पूरी कंप्लीट वीडियो जरूर बनाऊंगा और उनका जिक्र जरूर करूंगा। ठीक है, तो एक बार हमारी तरफ से एएस अकेडमी की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग खुश रहें, अच्छे से रहें और कल पेपर जरूर दें। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार, मैं कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके लिए अब डेली विश्लेषण जारी रहेगा।